हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए हम आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट। कई लोगों ने मुझे पूछा है, डिमांड किया है, क्वेश्चन किया है, कमेंट किया है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, हमें बताइए। तो चलिए हम आज पूरे इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट आखिर क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से मेथड है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्री स्ट्रेस जो एक वर्ड है ये आपको क्या बताता है। प्री स्ट्रेस मतलब पहले से स्ट्रेस दे देना, ठीक है, प्री स्ट्रेस का मतलब ये होता है। अब देखिए प्री स्ट्रेस के अंदर होता क्या, इसका फिनोमिना क्या होता है। प्री स्ट्रेस जब हम करते हैं हम किसी मेंबर को पहले से स्ट्रेस दे देते हैं। अब ये दो मेथड से दिया जाता है, एक तो होता है प्री टेंशनिंग और दूसरा होता है पोस्ट टेंशनिंग। अब प्री टेंशनिंग क्या होता है और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है इसे समझते हैं। मैं आपको फिगर के जरिए समझाना चाहूंगा कि प्री टेंशनिंग में क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ये एक आपका बीम है, ठीक है, तो प्री टेंशनिंग में होता क्या है, इसके अंदर जनरली जो है वो टेंडन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। टेंडन्स का मतलब क्या है, टेंडन्स होते हैं एक केबल्स होते हैं, ये कुछ वायर से बने हुए थ्रेडेड केबल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप आपको यहां पर देखिए एक पिक्चर दिखा, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टेंडन्स, ये टेंडन्स होते हैं। तो उन टेंडन्स को क्या किया जाता है कि इस बीम को कास्ट करने से पहले, मतलब इस बीम के अंदर कंक्रीट को पोर करने से पहले, कंक्रीट को डालने से पहले यहां पर क्या है, कुछ ऐसे वायर्स या केबल्स अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, इसे हम टेंडन्स कहते हैं, और इन्हें दोनों तरफ से जैक की मदद से खींचा जाता है। इन्हें प्री टेंशनिंग में क्या होता है कि इन्हें कंक्रीट को डालने से पहले ही इन्हें इस बीम के अंदर दोनों तरफ से खींचा जाता है, इन्हें टेंशन दिया जाता है, दोनों तरफ से जैक की मदद से खींचा जाता है और इसे टेंशन में लाया जाता है, ठीक है, इसे इस केबल को, इस टेंडन को टेंशन में लाया जाता है। अब केबल के टेंशन में लाने के बाद इसके अंदर कंक्रीट को भरा जाता है, कंक्रीट इसके अंदर एक बार भर दिया हमने, उसके बाद इसकी जो डिजायर स्ट्रेंथ है इस कंक्रीट की जब तक अचीव नहीं हो जाती तब तक हम इसे ऐसे ही खींचा हुआ रहने देते। जैसे ही उसकी डिजायर स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है उस कंक्रीट की, ठीक है, तो उसके बाद हम यहां से क्या करते हैं कि इस केबल को यहां से कट कर देते हैं और इस केबल को यहां से कट कर देते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, और कट करने के बाद यहां से हम उसे फिनिश कर देते हैं, मतलब यहां पर हम उसे ग्राउटिंग वगैरह कुछ कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ से वो पैक हो जाता है। ओके, अब इसके अंदर फिनोमिना एक्चुअल होता क्या है, तो क्योंकि ये पहले से टेंशन में था, पहले से क्या था, टेंशन में था, जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे दोनों तरफ से तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो जैसे ही ये कंप्रेस होगा तो ये इस बीम को ऊपर की तरफ कंप्रेस कर देगा, मतलब ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा बीम, थोड़ा सा बीम क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको कंप्रेशन में ला रहा है तो बीम ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा बीम पूरा, ठीक है। तो अब ये डिफ्लेक्शन एडवांटेजेस है, ये बेनिफिशियल है, ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहां पर हम लोड अगर ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं तो लोड अगर कन्वेंशनल आपका बीम रहा, कन्वेंशनल अगर आपका कंपोनेंट रहा, तो लोड जैसे ही ऊपर से पड़ता है वैसे ये नीचे की तरफ बेंड होता है, ठीक है, वैसे ही कहा होता है, नीचे की तरफ बेंड होता है और ज्यादा इसके अंदर क्या है, यहां पर फिर टेंशन क्रिएट हो जाता है, यहां पर टेंशन जैसे क्रिएट होता है तो यहां पर फेलियर के चांसेस होते हैं, क्रैक के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे यहां पर डिसएडवांटेजेस के होते हैं। लेकिन इस प्री टेंशनिंग के अंदर होता क्या है कि क्योंकि हमने पहले से ही उसे यहां पर ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर रखा है ऊपर की तरफ, मैक्सिमम जो हमने यहां पर इस केबल के अंदर कंप्रेशन अप्लाई किया था उसकी वजह से ये पूरा ऊपर की तरफ बेंड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जब पहले से ही ऊपर ये बैंड है तो इसके ऊपर अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड लगेगा तो वो डिफ्लेक्ट नीचे होगा, ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट नीचे होना है, लेकिन कहाँ तक होगा, तो यहाँ तक होगा, डिफ्लेक्ट कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कन्वेंशनल जो आपका बीम था वो नीचे चला जाएगा और जो आपका प्री स्ट्रेस बीम था वो आपका यहाँ तक आ जाएगा, उसके एक्चुअल साइज में आ जाएगा डिफ्लेक्ट होने के बाद। तो समझ लीजिए आप इसकी कितनी हद तक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसके बाद भी फिर ये नीचे डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है, उसके बाद भी नीचे डिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है यहाँ तक अचीव हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और आपको पता चल जाता है इसके अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंस इसका ये है, अब यहाँ पर के बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए आपके पास जो है कोई ऐसे लंबे लंबे स्पान है,
जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से ज्यादा हो रहे हैं, स्पान उसके ज्यादा है, या फिर ऐसे कोई स्पान होते हैं जहां पर आपको बीम बीच में सपोर्ट आप नहीं दे सकते, कॉलम आप बीच में नहीं रख सकते हो, सपोर्ट नहीं रख सकते हो, फिर कुछ ऐसे कैंटिलीवर पोर्शंस होते हैं, कई सारी जगह ऐसी होती है जहां पर आप बीच में कॉलम्स नहीं रख सकते, या फिर उस दो कॉलम के बीच का ज्यादा स्पान होता है वगैरह, बहुत सारे कंडीशंस ऐसी होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे प्री स्ट्रेस मेंबर को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा क्या है कि इससे आपकी आपकी स्ट्रक्चर की हैवीनेस कम हो जाती है, आपके स्ट्रक्चर की हैवीनेस, क्योंकि मान लीजिए जहां पर आपको इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको इतना स्ट्रेंथ, इतना ज्यादा आपको जो हैवी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था वो आप इसने इतने में ही अचीव कर सकते हो, आप इतने में अचीव कर सकते हो, तो स्ट्रक्चर की जो है हैवीनेस कम हो जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका थोड़ा कंपैक्ट बन जाता है, इकोनॉमिकल भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल कम यूज होता है एज कंपेयर टू दिस कन्वेंशनल वन, इसके अंदर मटेरियल कम यूज होगा तो इकोनॉमिकल हो जाएगा, तो ये कई सारे इसके एडवांटेज होते हैं। तो ये था आपका प्री टेंशनिंग, जिसके अंदर आप पहले से उसे टेंशन में ला देते हो और बाद में कॉन्क्रीट पोर करने के बाद उसे आप उसकी जो स्ट्रेंथ अवेलेबल अचीव हो जाती है कॉन्क्रीट की, उसके बाद इसे आप छोड़ देते हो, दोनों तरफ से काट देते हो और उसे आप पोर कर देते हो जो भी आपकी ग्राउटिंग वगैरह करने के बाद, ठीक है। तो ये था पोस्ट टेंशनिंग, सॉरी प्री टेंशनिंग की प्रोसेस। अब बात करते हैं पोस्ट टेंशनिंग। देखिए पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है कि जो हमने इस बीम को कास्ट किया था, ठीक है, इस बीम को हमने जब कास्ट किया था, तो देखिए कास्ट करते समय पोस्ट टेंशनिंग मतलब बाद में टेंशनिंग की जाती है, ठीक है, बाद में की जाती है, किसके बाद में, तो इस बीम को कास्ट करने के बाद में टेंशनिंग होगी इसकी। तो कैसे होगी, तो देखिए यहां पर क्या होता है कि पहले हम इस जब बीम को कास्ट कर रहे होते हैं तो यहां पर हम ये केबल अंदर नहीं डालते हैं, कई लोग डाल देते हैं लेकिन हम जनरली जब इसके अंदर इसको कास्ट कर रहे होते हैं पोस्ट टेंशनिंग के अंदर तो नहीं डालते, ठीक है, केबल नहीं डालते, बल्कि यहां पर बीच में डक्ट छोड़ देते हैं। डक्ट मतलब क्या होता है कि वो खाली स्पेस छोड़ देते हैं, मैं आपको बता दूं यहां पर वो जो खाली स्पेस छोड़ते हैं उसका एक कारण होता है कि बाद में वो जब बीम कास्ट हो जाता है हमारा, ये आपका बीम है इस तरह से, ठीक है, ये आपका इस तरह से एक बीम है, तो जब आप बीम कास्ट कर रहे हो तो यहां पर क्या करते हो, आप यहां से लेके यहां पर एक डक्ट यहां पर खाली छोड़ देते हो। वो डक्ट का फंक्शन क्या होता है कि जब आप ये आपका जो बीम कास्ट हो जाएगा, बीम आपका क्योर्ड हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी अचीव हो जाएगी, तो उसके बाद आप यहां पर क्या करोगे, इसके अंदर से टेंडन्स को इंसर्ट करवाओगे। टेंडन्स को इंसर्ट करवाने के बाद आप क्या करोगे, उसको बाद में खींचोगे। तो ये होता है पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। आप कास्ट करते समय यहां पर इसे डक्ट को छोड़ देते हो, इसे हम डक्ट कहते हैं, ठीक है। डक्ट को छोड़ने के बाद इसको आप पूरी तरह से कवर, हाँ, डक्ट के अंदर जो है वो कवरिंग मटेरियल होता है, ठीक है, कवरिंग मटेरियल होता है, तो कवरिंग मटेरियल के साथ हम डक्ट छोड़ते हैं। और बाद में जब डक्ट आपने छोड़ दिया, आपका सीमेंट क्योर्ड हो गया, आपने अचीव कर लिया सीमेंट ने, कॉन्क्रीट ने, इस मेंबर ने आपकी उसकी डिजायर स्ट्रेंथ, उसके बाद इसके अंदर केबल इंसर्ट करके उसे टेंशन दिया जाता है, ठीक है। और टेंशन देने के बाद, टेंशन जो भी आपको जितना टेंशन देना है दोनों तरफ से जैक लगा के आपने टेंशन उसके अंदर दे दिया, ठीक है, टेंशन देने के बाद क्या किया जाता है, उसे यहां से काट दिया जाता है, फिर से उस केबल को क्या, यहां से काट दिया जाता है। और काटने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये डक्ट थे, होल थे यहां पर, ठीक है, तो वो अगर ओपन रह गए तो वहां पर कोरोजन वगैरह के या फिर उसके और सारे डैमेज हो सकते हैं अंदर जाके, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहां पर ग्राउटिंग की जाती है। ग्राउटिंग तरह तरह की होती है, ग्राउटिंग मतलब इसे इस पूरे होल को अंदर से जो है वो भर दिया जाता है, ठीक है, उसे पैक कर दिया जाता है, तो ये ग्राउटिंग कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस थी भाई कि भाई पोस्ट टेंशनिंग के अंदर क्या किया जाता है। दोनों का कंसेप्ट एक ही है, दोनों जब टेंशन में आ जाएंगे कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, टेंशन जैसे रिलीज होगी कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो गए तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सेम फिनोमेना वही चालू हो जाएगा कि भाई ऊपर से लोड आएगा तो वो मैक्सिमम यहां तक डिफ्लेक्ट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम लोड ऊपर से वो कैरी कर सकता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बीम। तो ये था आपके प्री स्ट्रेस कंक्रीट का मेन फंडा, मेन लॉजिक, मेन फिनोमिना, ठीक है। इसके अंदर मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।